गाइस, अभी हाल ही में किया ने भी अपनी ऑल न्यू 6 और 7 सीटर एमपीवी को लॉन्च करने का बढ़िया सा एक फैसला लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये गाड़ी अभी जो है बैंगलोर में बिल्कुल स्पाइक की गई है, ऑल न्यू व्हीकल है। और मेरे हिसाब से इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि कन्फर्म कब होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाड़ी की सारी डिटेल जानने के लिए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल पीएस मोटर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किया की ऑल न्यू 7 सीटर और 6 सीटर एमपीवी से। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हो कि फ्रंट में आपको हल्का सा सनरूफ का भी व्यू आ रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें अल्कज़ार जैसा आपको पैनोरामिक सनरूफ बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नॉर्मल सनरूफ होगा सिंगल पेन। और बाकी जो रियर का लुक है वो आप देख सकते हो इस गाड़ी का कैसा बनाया है। मैं पर्सनली बताऊं तो इस गाड़ी का रियर लुक बहुत ही फिनिश्ड नहीं है, बहुत ही मेरे को टिनी सा लग रहा है। और बाकी सनरूफ इसमें आप देख सकते हो सेम आपको जो किया कार्निवल और सेल्टॉस में सनरूफ प्रोवाइड किया जाता है वैसा ही है। लेकिन जो इसकी फ्रंट की एलईडी डीआरएल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रही हैं, और इसका अलॉय व्हील्स का भी आपको जो है बढ़िया से लुक दिखाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे हमें लगता है R16 साइज़ का अलॉय व्हील्स मिलने वाला है। हालांकि अभी अलॉय का साइज़ बिल्कुल भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है ये पूरी की पूरी किया सेल्टॉस से मैच कर रही है। और हमारे हिसाब से किया सेल्टॉस का ही 7 सीटर वर्जन ये निकाला गया है, जैसे आप देख सकते हो। दोस्तों, इंजन स्पेक्स की भी हम अगर बात करें तो 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि अर्टिगा से इसकी लेंथ हमारे हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, और एज़ पर द र्यूमर्स 4.5 मीटर की आपको यहाँ लेंथ मिलने वाली है। तो दोस्तों, अर्टिगा से करीब 100 mm के अराउंड इसकी लेंथ ज़्यादा होगी और काफ़ी ही टॉल होगी और काफ़ी ही वाइड होगी। तो दोस्तों, एक बढ़िया सी MPV बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है। तो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया इसका प्राइस भी हमारे हिसाब से होने वाला है। अराउंड अगर प्राइस की भी बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले फीचर्स की भी बात करें तो इस गाड़ी में आपको सेम एज इट इज़ हमारे हिसाब से किया सेल्टॉस के ही पूरे पूरे फीचर दिए जाएंगे, जो आपको किया सेल्टॉस के टॉप एंड और बेस में दिए जाते हैं। बाकी इसमें जो है आप देख सकते हो ओवरऑल कैसी रहेगी इसकी साइड प्रोफाइल, सनरूफ और इसके विंडो शीट्स। और इसमें एक चीज़ और बताई जा रही है, इस गाड़ी में आपको यूवो की कनेक्टिविटी भी ज़रूरी देखने को मिलेगी, प्लस जो फ्रंट के LED DRLs हैं काफ़ी बढ़िया है, मैट्रिक शेप के हैं। तो दोस्तों, किया की जो बढ़िया से MPV है वो आपके लिए बिल्कुल हाजिर है, और आप इस गाड़ी का आराम से वेट कर सकते हैं। और हमारे हिसाब से अगर इस गाड़ी के प्राइसेस की अगर हम बात करें तो अराउंड सेल्टॉस के ही आसपास इस गाड़ी के प्राइसेस रहने वाले हैं। दोस्तों, एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन आपको इसमें फीचर्स हमारे हिसाब से अर्टिगा से ज़्यादा ही मिलेंगे, प्लस बिल्ड क्वालिटी भी हमारे हिसाब से इसमें बहुत ही बढ़िया दी जाएगी। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो द ऑल न्यू किया की 7 सीटर पर। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल पीएस मोटर। जय हिंद।